नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत लेलर सर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम जो है डेली के बेसिस पर जो अंतराक्ष आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं। आज जो है कैंडिडेट भी ज़्यादा है, ठीक है। आज जितेंद्र जी है, राहुल जी है, राकेश जी है, नीरज जी है और दिनेश जी है, पांचों कैंडिडेट आपके सामने मैं एक एक करके बुलाऊंगा। और आज हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा पाइथन प्लस राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के अंदर हम 2 जिले से संबंधित इनसे क्वेश्चंस करेंगे, कहीं से भी रैंडमली उठा के, ठीक है। वैसे इनका जो OMR टेस्ट है वो क्लियर हो चुका है, तो हम यहाँ पर अभी ये बेस पे ले रहे हैं। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे, हेल्पफुल लगे और अगर कोई कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप डेली इनको विजिट कर सकते हैं इसी टाइम डेली नाइट 8 बजे, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। चलिए, तो सभी डेली की तरह जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है जितेंद्र जी को बुलाना चाहूँगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके हर एक लाइक से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न जितेंद्र जी से कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे है जितेंद्र जी, पाइथन जो है वो अनुवादक के तौर पर किसका प्रयोग करता है, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर या इनमें से कोई नहीं? अनुवादक के रूप में, हाँ, ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर। कंपाइलर गलत हो गया, इंटरप्रेटर का यूज करता है। अगला प्रश्न, पाइथन के आविष्कारक कौन थे? गुडो वैन रोसम, एकदम सही है। अगला प्रश्न है आपसे, GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बहुत शानदार। अगला प्रश्न है आपके, पाइथन में इस सिंबल को किस नाम से जाना जाता है? प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके, पाइथन में किसी भी मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पर दिखाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? प्रिंट, प्रिंट कमांड एकदम सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए, अगर एक वैल्यू आपको दी जाए तो बताइए इसका क्या उत्तर आएगा, इसको प्रिंट करते हैं अगर बी को तो क्या उत्तर आएगा इसका? बी का उत्तर आएगा आपका 4 सर। 4 लिखो यहाँ पर, क्या उत्तर आएगा आपके? प्रिंट में लिखना है ना? नहीं, यहाँ डायरेक्ट लिख दो उत्तर क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पर आपका उत्तर गलत हो गया है, इसका उत्तर आता है यहाँ पर 4.0, क्योंकि ये दशमलव वाली वैल्यू निकालता है। अगला प्रश्न है आपके, पाइथन में आईडी फंक्शन क्या कार्य करता है? ऑप्शन, पाइथन में आईडी फंक्शन क्या ज्ञात करता है? पहला है किसी भी मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पर दिखाने के लिए, दूसरा वेरिएबल बनाने के लिए, तीसरा है आपका आईडी नंबर ज्ञात करने के लिए, या चौथा है आपका आईडी की मदद से किसी भी फंक्शन के अंदर आईडी की मदद से कोई वैल्यू को ट्रांसफर करने के लिए, आईडी दिखाने के लिए, मेमोरी की साइज, हाँ साइज नहीं, एड्रेस मेमोरी का एड्रेस के लिए आईडी फंक्शन उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है आपके, एंड तथा और, इन दोनों ऑपरेटर में क्या अंतर है? एंड तथा और में, एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और ऑपरेटर में दोनों में से अगर कंडीशन एक भी अगर ट्रू है तो उसका उत्तर ट्रू आएगा। ठीक है, एकदम सही है उत्तर, ठीक है। अब 2 रैंडमली आपके राजस्थान जीके के मिल जाते हैं, आज कोई भी क्वेश्चन का फिक्स नहीं रहेगा भाई, किसी के ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, दौसा किस संभाग में आता है, कोटा, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर? कोटा किस संभाग में आता है? हाँ, सॉरी, दौसा जो है वो किस संभाग में आता है, कोटा, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में, एकदम सही है। अगला प्रश्न आपके लिए है,
अगला प्रश्न है आपका, दौसा का प्राचीन नाम क्या है? जयनगर, रामनगर, देवांश या देवडूंगरी? देवांश। देवांश एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जितेंद्र जी ने 10 के में से जो है इतने क्वेश्चन का आंसर दिया, इसकी टोटलिंग वगैरह हम लास्ट में करेंगे। आगे वाले कंटेस्टेंट को बुला लेते हैं हम, जिनका नाम है राहुल, ठीक है। तो आज ये सेकंड नंबर पे आए हैं, ठीक है, लीजिए। राहुल से पहला प्रश्न करते हैं हम, दौसा जिले में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 8, 6, 5 या 7? 7। 5। दूसरा प्रश्न, दौसा जिले का निर्माण किस पहाड़ी पर किया गया है? सूप की पहाड़ी, वसुंधरा की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी या देवगिरी की पहाड़ी? देवगिरी की पहाड़ी एकदम सही है। अगला एक और प्रश्न आपके लिए है, दौसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH-15, NH-12, NH-11 या फिर NH-18? NH-12। NH-11 होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, पाइथन में कमेंट किस सिंबल से स्टार्ट किए जाते हैं? पाइथन में सिंबल किस? हैशटैग से। हैशटैग से एकदम सही है आपका। अगला प्रश्न है आपके लिए, पाइथन में डायनेमिक सिमेंटिक का क्या अर्थ होता है? डायनेमिक सिमेंटिक्स ऑप्शन है। डायनेमिक सिमेंटिक का क्या अर्थ होता है? पहला होता है किसी लैंग्वेज की जानकारी देने के लिए, दूसरा होता है कोई किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, तीसरा होता है किसी डेटा टाइप के बारे में जानकारी देने के लिए, या चौथा होता है ऑटोमेटिक डेटा टाइप को डिटेक्ट करने के लिए। ऑटोमेटिक डेटा टाइप को डिटेक्ट करने के लिए एकदम सही है आपका। अगला प्रश्न, पाइथन में एग्जीक्यूशन मोड कितने प्रकार का? 2। कौन कौन से? इनक्रिप्ट और स्क्रिप्ट। इंटरएक्टिव और स्क्रिप्ट मोड। सही है। अगला प्रश्न, पाइथन में जो कमांड होते हैं वो छोटे या बड़े किस अक्षर में लिखे जाते हैं? पाइथन में जो कमांड होंगे वो छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे, मतलब स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में? स्मॉल लेटर में। एकदम सही है, इससे हो जाएगी, ये केस सेंसिटिव है। अगला प्रश्न, पाइथन के किस मोड के अंतर्गत रहकर हम किसी भी कोड की सिर्फ टेस्टिंग कर सकते हैं, उसको भविष्य के यूज के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं? इनक्रिप्ट मोड में। इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव। अगला प्रश्न, एक अगला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर आप बताइए कि क्या ये एक वेरिएबल का नाम हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेशल सिंबल नंबर। ठीक है, एकदम सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सा है पाइथन का कीवर्ड नहीं है? है सॉरी निम्न में से कौन सा पाइथन का एक कीवर्ड है, सॉरी नहीं है, ये बताना है। देखो, बताओ ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। हाँ ये गलत है, ये है, ये आपके लास्ट में 0। ठीक है,
अब हम आगे बुलाते हैं नेक्स्ट प्रतिभागी को, ठीक है, उनसे हम अपने जो क्वेश्चंस हैं वो अब पूछते हैं। तो आगे अब बारी है राकेश जी की, ठीक है, राकेश जी अब आएंगे यहाँ पर, अब उनसे हम जो है अपने क्वेश्चंस रखेंगे। राकेश जी से पहला प्रश्न है, पाइथन, राकेश जी से पहला प्रश्न है भाई कि हमारी जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो हाई लेवल है या लो लेवल प्रोग्रामिंग है? हाई लेवल, हाई लेवल है, एकदम सही है। दूसरा प्रश्न, ऊप का पूरा नाम क्या है? ऊप, डबल ओ पी। ये आवाज नहीं भाई, शांत रहे आप सभी। ऊप का पूरा नाम क्या है यार? ऑप्शन अब इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओपन प्रोसेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कौन सा सही है इन तीन नंबर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, तीन नंबर सही है। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? मैं नीचे यहां पर आपके पाइथन के फीचर्स के नाम लिखूंगा, जो नहीं है तो आप बता सकते हैं, नहीं है, अगर है तो है बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा पाइथन के एक फीचर नहीं है? सेलेक्ट नहीं है, सेलेक्ट नहीं है, एकदम सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पाइथन मल्टी पैराडिगम लैंग्वेज है या नहीं? पाइथन मल्टी पैराडिगम लैंग्वेज है या नहीं? नहीं है सर, नहीं है, मल्टी पैराडिगम लैंग्वेज नहीं है, ये आपका गलत हो गया, यहाँ है, मतलब इसको एक से अधिक प्रोग्रामिंग यूज कर सकती है। अगला है, पाइथन में किस मोड के अंतर्गत किसी प्रोग्राम को टेस्ट भी कर सकते हैं, भविष्य के उपयोग के लिए सेव भी कर सकते हैं? स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मोड, एकदम सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या ये एक सही आइडेंटिफायर है या नहीं? है सर, है, एकदम सही, अंडरस्कोर आ गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पाइथन का एक कीवर्ड नहीं है? निम्न में से कौन एक पाइथन का कीवर्ड नहीं है? निम्न में से कौन एक पाइथन का कीवर्ड नहीं है? सेलेक्ट, सेलेक्ट नहीं है, एकदम सही है। आगे तीन राजस्थान जी के क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? भंडारेज,
डूंड लोध, लाल सोट या गेटो लाव? लाल सोट, एकदम सही है। अगला प्रश्न, भंडारेज की बावड़ी कितने मंजिल पर स्थित है? 7, 5, 3 या 4? 5, एकदम सही है ये भी। अगला प्रश्न, नाइयों का नाथ तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? भाई आवाज नहीं, नाइयों का नाथ तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? गेटो लाव, लवाण, लाल सोट और भंडारेज? लवाण, लवाण एकदम सही है। ठीक है, आगे वाले कंटेस्टेंट्स तैयार हैं भाई? आगे आज बहुत दिनों बाद हमारे बीच आ रहे हैं न्यूज, ठीक है? हाँ भाई, सभी इनके लिए चैट में जरूर क्लैपिंग कर लीजिएगा, ठीक है? पहली बार टीम में उतरे हैं नीरज जी, सब भाई को राम राम। पहला प्रश्न है नीरज जी से, पाइथन का जो पहला वर्जन था वो किस ईयर में आया था? 1991, एकदम सही है। अगला प्रश्न आपके लिए है, अरे भाई चुटकी वगैरह मत करो यहाँ पर, अगला प्रश्न देखो आपके लिए है, पाइथन में कमेंट्स किसके द्वारा शुरू की जाती है? हैश से, हैशटैग, सही है। अगला आपके लिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पाइथन का कीवर्ड नहीं है? ठीक है, एज गलत हो गया, एज है, कूल नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, बताओ बी का जो मान होगा वो क्या आएगा? 8.0 एकदम सही है, क्यों? डबल स्लैश पॉइंट हटा देता है, एकदम सही। अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, पाइथन में अपेंड फंक्शन क्या कार्य करता है? अपेंड, अपेंड, A-P-P-E-N-D, append, से ऑब्जेक्ट बताओ। पाइथन में append फंक्शन क्या करता है? डेटा को घटाने का, डेटा के ऊपर दो लिस्ट को आपस में, दो लिस्ट का जो डेटा, मतलब एक लिस्ट का डेटा दूसरे में ट्रांसफर करने में, तीसरा ऑप्शन दो, मतलब दो, तीसरा है आपके वैल्यू को जोड़ने में, या चौथा है आपके वैल्यू में भाग देने में। वैल्यू को भाग देने में, गलत, डेटा को जोड़ने में append, ठीक है। अगला प्रश्न, पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर 4 प्रकार के होते हैं। 4 एंड अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है आपके लिए नीरज जी कि इसका उत्तर क्या आएगा। सोलह। सोलह एकदम सही है, चार की घात दो, सोलह ठीक है। अगला प्रश्न, दुल्हे राय ने किसको हराकर दौसा को ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी बनी थी, कछावा, मीणा, भील या बड़गुजर। बड़गुजर एकदम सही है। अगला प्रश्न, दौसा जिले की आकृति किसके समान है, मेंढक के समान, धनुष के समान, वेल मछली के समान या बत्तख के समान। बत्तख। बत्तख धनुष के समान। बत्तख एक धनुष। धनुष के समान एकदम सही है। अगला प्रश्न आपके लिए है लास्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार दौसा जिले का लिंग अनुपात कितना है, 905, 910, 895 या 947। 905। 905 सही है। चलिए अब लास्ट दिनेश जी बचे हैं, अब इनसे हम जो है सवाल करते हैं अपने, ठीक है। अजय दिनेश जी नमस्कार दोस्तों। चलिए भाई दिनेश जी से पहला प्रश्न पूछते हैं हम, पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है अभी। लेटेस्ट 3.10। एकदम सही आया उत्तर आपका। अगला सवाल है आपके, पाइथन निम्न में से किसका प्रयोग करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एकदम सही है, यहीं पर आके आपके। अगला सवाल है आपके लिए, अगला प्रश्न है देखिए आपके लिए, ये कोड है आपको इसका उत्तर बताना है, बस सिंपल कोड है। इसका उत्तर क्या आएगा, ए बराबर के नहीं है, फॉल्स आएगा। फॉल्स एकदम सही है आपका। चलिए यहाँ पर एकदम उत्तर सही है आपका। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए बहुत इजी प्रश्न, इसका उत्तर क्या आएगा। ए का मान बी में जाएगा। 10। 10 गलत, इसका उत्तर आएगा 4, क्योंकि मैंने बी को नहीं ए को छपा है, तो ए छपेगा वो जोड़ के, वो छपेगा ही नहीं। अगला प्रश्न आपके लिए है बहुत इजी प्रश्न, पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन से होते हैं,
पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के या 5 प्रकार के? 5 प्रकार। गलत, 2 प्रकार के, इज और इज नॉट। अगला प्रश्न है आपके, पाइथन में कमेंट किसके द्वारा लिखे जाते हैं? पाइथन में कमेंट किस सिंबल के द्वारा लिखे जाते हैं? हैशटैग। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, इसका उत्तर क्या आएगा? ये क्या लिखा है? दो नॉट इन ए, फॉल्स आएगा। फॉल्स। ये कह रहा है कि क्या दो ए में नहीं है? है। तो यहाँ पर आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर नहीं होता ना तो ये इसको ट्रू बोलता। सही बात है आपकी। अगला प्रश्न, तीन के सुन रहे हैं आप तो जीके ले लो। तीन कहाँ चल रहा है? आपका प्रश्न है पहला, अजमेर जिले का, सॉरी दौसा जिले का शुभंकर क्या है? खरगोश, बकरी, सांड या चीतल? खरगोश। खरगोश सही है। अगला प्रश्न, संत सुंदरदास जी की मृत्यु कहां पर हुई थी? गेटोलाव, महुआ, सांगानेर या बसवा? सुंदरदास जी के, हाँ ये तो महुआ। महुआ नहीं, रुको सर, गेटोलाव। गलत, इनकी बनी हुई है सांगानेर में। अगला प्रश्न, दौसा दुर्ग में स्थित किस पॉल को युद्ध के अवसर पर बंद कर दिया जाता था? गणेश पॉल को, मोरी दरवाजा को, भैरव पॉल को या हाथी पॉल को? एक लास्ट प्रश्न बचा है इनके, गणेश पॉल को, हाथी पॉल। हाथी पॉल। चलो भाई, अब हम इनके करते हैं टोटलिंग। इसके बाद देखते हैं आज टक्कर में कोई है या कम है, कौन है, तो वो अभी उनको हम बुला लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे बुलाते हैं, अब कौन जो है आगे आए हैं, कौन नहीं आए हैं। ठीक है, तो एक बार जोड़ कर लेते हैं हम इनकी, उसके बाद बुला लेते हैं हम। तो देखो, जितेंद्र जी के 1 2 3 4 5 6 7 8। अगले देखिए, राहुल जी के आपके 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक आंसर गलत हुआ, बहुत शानदार हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। और दिनेश जी के 1 2 3 4 5 6 6 नंबर इनके। मतलब आज कांटे की टक्कर नहीं हुई है, आज अकेले राकेश जी आगे निकल चुके हैं, इनके 9 नंबर आ चुके हैं। तो आप सभी एक बार राकेश जी के लिए क्लैपिंग कर दें भाई, चैट बॉक्स में भी जरूर क्लैपिंग कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम जो है अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो डेली की इंटरेस्टिंग लग रही है, अच्छी लग रही है, तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से आगे आने वाले टाइम में आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।